वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, जैसे कि आपको कल पता था। एंड यू नो कल का व्लॉग कंटिन्यू है इस चीज़ में, क्योंकि यू नो NH27 से मैं निकली और स्टिल आई एम ऑन NH27। मैंने दार्जिलिंग क्रॉस कर लिया था शाम को नियर बाय 5:30 बजे। उसके बाद पूरा डी फार्म आया था और अब मैं हूँ यूपी में। मेरा लखनऊ 30 किलोमीटर दूर है। मैंने पूरी रात गाड़ी चलाने की वजह से मेरी शक्ल का ये हाल है। सो अभी हमें घर पहुँचने पूरे के पूरे लखनऊ से 8 घंटे हैं, मतलब लखनऊ से 8 घंटे तो मेरा घर है। और पता है मतलब इट हैव 3 साइड्स। एक साइड तो ऐसी आती है कि तुम्हें कैमरे मिलेंगे, एक साइड तो ऐसी आएगी तुम्हें चेकिंग मिलेगी, और एक साइड तो ऐसी आती है जिसमें रोड ख़राब होती है। बट ऑल ओवर NH27 की रोड्स बहुत सही हैं। मैं इसे गई नहीं, मैं जाते हुए जिस हाईवे से गई थी ना, जो एक्सप्रेस था, नेशनल एक्सप्रेस, उससे तो ये फार बेटर है, क्योंकि अभी नेशनल एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं था। बट इसमें सेकेंड चीज़, इसमें कोई स्टे की जगह नहीं मिलेगी, इसमें एक दो ही स्टे की जगह मिलेगी, वो भी बहुत स्टार्टिंग में NH27 के। फिलहाल अगर आपने मेरे पास्ट के ब्लॉग्स देखे होंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा मेरी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। सो व्हेन ही रीच फाइनली द लखनऊ सिटी, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सब कुछ है, पीछे भी एम अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी गई, BVM यूनिवर्सिटी करके। हेलो गुड़गांव के, जस्ट बिकॉज वी नीड टू गेट चेंज एंड फ्रेश। और मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ बिकॉज वी नीड सम फूड एज वेल। हमने कुछ खाया नहीं हुआ कल शाम से, एग्जैक्टली लास्ट भी हमने कुछ हाइजीनिक नहीं खाया था। नॉर्मली हमने स्ट्रीट फूड खाया था, नो आई डोंट वांट टू शेयर, एंड आई एम नॉट श्योर मैं कौन से मॉल हूँ, बट सारे मॉल्स एक जैसे ही लगते हैं। एक्सप्रेसवे यहाँ से घर का रास्ता जो है वो कुछ 6.5 से 7 घंटे के अंदर का है। प्लस ये हाईवे में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि मतलब इसका टोल टैक्स की और इसकी रोड मेंटेनेंस अच्छी है, और आपको कम गाड़ियाँ दिखेंगी रात में हाईवे में। सिर्फ वो नेगेटिव चीज़ है कि लाइट्स नहीं होती इस हाईवे में, सो यू हैव टू एडजस्ट। पता है निसान की सबसे बड़ी कमी इसकी हेडलाइट जो है ना, वो बहुत कम है, बहुत कम, कुछ दिखता ही नहीं है, कोई गड्ढा आता है उसमें घुस ही जाती है। क्योंकि इट्स बीन लाइक मोर देन 16 आवर्स आई ड्रॉप द कार, एंड इट इज़ लाइक वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब क्योंकि मैंने इतनी ड्राइविंग नहीं करी थी कभी, थोड़ी शक्ल तभी इतनी ख़राब हो गई। फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। ये बंदा जो डावा करता है और कनाडा जा रहा है गाड़ी चलाने के लिए, इसे गाड़ी चल नहीं रही है, ये बेचारा अभी से अभी बैठा है, जस्ट अभी सुबह से। झूठ। अच्छा पहले कब बैठा था? लखनऊ तक मैं ही लेके आया हूं। कितने किलोमीटर है बताओ? 35 किलोमीटर था लखनऊ जब मैं तुझे गाड़ी दी थी। ओए कौन से सपनों में खो रही है बे, 5:15 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ। कितने बजे तक? हाँ कितने बजे तक? 10:30 से 11 बजे तक। और गाइस आप लोगों को पता है मैंने कब से गाड़ी चलाई है? मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट करी थी कल। तो तुमने सो करके करी है? तुमने सो के करी? मेरे को नींद नहीं आ रही थी, आंखें झपकी लेती थी, मैं सोती मेरे को वो भी नहीं आ रही थी, मेरे को झपकी ही नहीं आ रही थी, और फिर मैं गाड़ी चलाती थी। मैंने सुबह इसको 5:30 बजे गाड़ी दी है, कोई लड़ रहा था जब मैं झपकी लेने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी। सो गाइस पता है मतलब यहाँ आना दार्जिलिंग से मतलब बिल्कुल अपोजिट टेम्परेचर, पूरे मतलब इस वक्त 12 घंटे हो गए दार्जिलिंग से चले हुए। दार्जिलिंग में आइसक्रीम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और यहाँ पे आइसक्रीम बहुत नीडेड है। फिलहाल मेरा घर अभी भी 4.5 घंटे दूर है, इसको भूल जाओ ऐसे। सो
ये सेकंड टाइम में मैं इतनी बड़ी ड्राइव कर रही हूँ, इसे तो चलने वाली नहीं है कहीं से कहीं तक, और 4.5 घंटे और सही। सो गाइस, मेरे आगे एक दिल्ली की गाड़ी है, वो रेड कलर की गाड़ी, मैं आपको उस तक पहुंचाती हूँ, एग्जैक्टली उसी तक, उस गाड़ी तक पहुंचाती हूँ। पता है वो गाड़ी वालों ने ना अभी जस्ट थूक फेंका पीछे की तरफ, मैं पूछना चाहती हूँ लोगों को कि टोल टैक्स पे थूक फेंक कर कैसा उनको फील हो रहा है। मैं बस कैमरा ऑन करने में एक कुछ माइनर उस सेकेंड्स लेट हो गई थी, नहीं तो मतलब मुझे ये समझ आता फूड प्लाजा जाना था, मतलब मैं बाद में मुझे फूड प्लाजा आगे वाले पे बरिस्ता भी है यहाँ तो चलो लेफ्ट साइड बरिस्ता। सो मैं इस गाड़ी वाले से जो राइट रेड वाला गाड़ी वाला ना एग्जैक्टली मैं पूछना चाहती हूँ आपको थूक फेंक कर पीछे कैसा लगा। ये वाला मेरा 5252 DL12C6 CE 5252। यार लिटरली ऐसे लोग हमारी दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंडिया को बहुत सुंदर बना रहे हैं, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को मेरे पे यकीन नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी मैं टोल टैक्स क्रॉस करी हूँ, आगरा का पहला टोल टैक्स आया, मतलब दूसरा टोल टैक्स एंट्री के बाद का, उसमें आपको इनकी 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बीच की लाइन में ना एक्चुअली इनकी वीडियोग्राफ वीडियो भी मिल जाएगी थूकते हुए नीचे नीचे की तरफ, आई मीन बिल्कुल दरवाजा खोल के थूक 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 करते हुए, ऐसे भी लोग होते हैं मतलब। और वो भी दोनों एक, ये भी नहीं चले, एक ने थूक दिया यहाँ से, पहले ड्राइवर ने, फिर इधर से पीछे वाले पैसेंजर, फिर उधर से दूसरे वाले पैसेंजर ने, तीन खिड़कियां खुली। सो गाइस, अभी रास्ता 3 घंटे कुछ का बचा है घर का, मतलब 3 घंटे एक्चुअली में। सो अगर यू नो मिडवे में ये सब आता है बिकानो एंड ईटिंग प्लेस, सो यू कैन एक्चुअली स्टॉप हियर। बिकानो बहुत बजट फ्रेंडली है और फूड भी अच्छा है इनका, आई ट्रस्ट राइट छोले भटूरे, बाय गॉड और आगे सारे डाइट के अच्छी वाली वो लग जाती है। वॉट चलो वापस ड्राइविंग की तरफ। सो फाइनली रीचिंग दिल्ली और अभी तक मेरा फ़ोन वार्निंग दे रहा है गर्म में मैं, एंड यहाँ पे पता है मतलब ये मेट्रो स्टेशन के बाहर मैं खड़ी हूँ, आशीष की स्पेशल डिमांड है बर्गर खाना है उसने, तो लकली गॉट अ बर्गर किंग यहीं पे एंड जस्ट पिकिंग अप बर्गर फॉर हिम, एंड उसके बाद निकल रही हूँ मैं अपने घर की तरफ इस रास्ते से आईटीओ के लेफ्ट। सो अबाउट पेट्रोल, 11,000 का पेट्रोल, मतलब 11,500 का पेट्रोल प्लस आपका टोल लगा मेरा पूरा दार्जिलिंग से घर आते हुए, और स्पीड अप करोगे तो 12,000 के करीब। चांद कुछ इस बिल्डिंग के पीछे है, सो बुध पूर्णिमा है आज, आई एम सो टायर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू सी चांद अभी, मतलब आई कॉन्ट शो यू टू, आई कॉन्ट शो ऑन द कैमरा राइट नाउ चांद, मैं स्टक हो गई, आई कॉन्ट शो द कैमरा, अभी मैं चांद नहीं दिखा सकती, सो लेट्स जस्ट गो इन साइड। हेलो हाउ आर यू, कैसे हो? ये मेरी ड्रेस है, ये मेरी ड्रेस है। जब तुम घर वापस आओ तुम्हारा कमरा कितना सिमटा हुआ सा मिले और तुम आते ही बिखेर दो, राइट? दीज आर दी अफर्मेशंस। माय गॉड, मेरी मम्मा पापा ने पूरा ये सफाई करके रखा, इवन दैट साइड, दिस साइड, दिस इज प्रीटी क्लियर, और ऊपर से वो वैक्यूम क्लीनर। सो गाइस, मैं आज का व्लॉग यहीं करूंगी, आई एम प्रीटी मच exhausted and I'm gonna see you tomorrow hopefully because I need a break. Bye bye.